दोस्तों, अगर आप करते हैं क्रिप्टो करेंसी का कारोबार तो ये मुमकिन नहीं कि आप बाइनांस वॉलेट यूज ना करते हो। इन दिनों आ रही हैं बाइनांस वॉलेट यूज करने वालों को कुछ प्रॉब्लम, और मैं लेकर आया हूं उन प्रॉब्लम्स का मुकम्मल हल और एक ऐसी न्यूज जो बहुत कम लोग जानते हैं। बाइनांस की तरफ से आने वाली एक न्यूज जिसे गूगल पर आप इजीली देख सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, और अगर आप चाहें तो उसे अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स इस स्क्रीन पर आपको मिल रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इसका हल बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप इस वक्त बाइनांस में ट्रेड करने से पहले कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे P2P के ऑप्शन का शो ना होना, आपका लॉगिन ना हो पाना, और कभी कभी तो आपका विड्रॉल भी रुक जाना, तो दोस्तों ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हर मसले का एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि बाइनांस एक बहुत ही ऑथेंटिक एप्लीकेशन है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये क्यों हो रहा है और न्यूज़ क्या है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं गूगल की जानिब से, मैं आपको बताता चलूं कि मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं अलमक्का बिजनेस। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जहन में रखिएगा कि न्यूज़ वही अच्छी होती है और काम की जो आपको वक्त पर मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, बिना देर के मैं अपना मौजू शुरू करता हूँ। मैं आपसे शेयर करने आया हूँ एक गूगल की ऐसी न्यूज़ जिसे आपको जान लेने के बाद पता चलेगा कि ये एरर क्यों आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बताता चलूं कि आज से कुछ अर्सा पहले लोग बेसिक वेरिफिकेशन पे ट्रेड कर लिया करते थे और वो अगली दो वेरिफिकेशन नहीं करते थे, यानी कि इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन और एडवांस। एडवांस वेरिफिकेशन की तो मैं अभी भी आपको इजाजत नहीं दूंगा, क्योंकि एडवांस में बाइनांस आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगता है, जिसकी जरूरत मैं समझता हूँ कि नहीं है। लेकिन अब आपके लिए नेसेसरी हो चुका है कि अगर आप बिलफर्ज बेसिक वेरिफिकेशन पे कारोबार कर रहे थे काफी अरसे से, जिसकी लिमिट हार्डली $2,500 से $2,700 तक है, लोग इससे ज्यादा की जरूरत महसूस नहीं करते थे, तो उनके अकाउंट होने शुरू हो गए हैं वक्ती तौर के लिए अनवेरीफाइड। अगर आप अपने अकाउंट को मुकम्मल तौर पर चलाना चाहते हैं विदाउट किसी हर्डल के, तो अपना KYC जो आपकी ऑप्शन है, वेरिफिकेशन है, उसे पूरे करें। KYC क्या है ये तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान नहीं जानता कि KYC क्या है। KYC का मतलब है नो योर कस्टमर, यानी कि KYC में दो चीजें आती हैं। एक आपने अपने ID को अपलोड करना होता है, और सेकंड वेरिफिकेशन होती है आपकी फेस वेरिफिकेशन। ये दो चीजें जब आप मुकम्मल तौर पे वहां पे शाया कर देते हैं, यानी कि पिक उतार के उसे अपलोड कर देते हैं, तो आपकी बेसिक इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाती है, यानी कि बेसिक हो चुकी और उसके बाद इंटरमीडिएट। जिन हजरात की भी इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन अब तक नहीं हुई, उनके अकाउंट अनवेरीफाइड हो चुके हैं और वो ट्रेड करने में उठा रहे हैं दुश्वारी का सामना। लिहाजा मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मुसलसल एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर दिया है, जो 20 अगस्त 2021 को गूगल को अपलोड कर दी गई थी ये न्यूज़ बाइनांस की जानिब से, कि अगर आप कहीं भी इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं तो ज़रूरी हो चुका है आपका KYC के हिस्से को, यानी कि वेरीफिकेशन को मुकम्मल करना। आप अगर इस वक्त तक मेरी पहली बताई हुई प्रॉब्लम सॉल्यूशन मुकम्मल कर चुके हैं, और अगर आप इस जिमरे में आते हैं, इस सर्कल में, तो KYC की अपनी इंटरमीडिएट की जो आपकी तमाम वेरिफिकेशन है उसे पूरा करें और आराम से अपनी ट्रेड को एक मरतबा फिर से कंटिन्यू करें। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जहन में रखिएगा कि KYC यानी जो वेरीफिकेशन है वो नेसेसरी हो चुकी है, लाजिम हो चुकी है। इजाज़त चाहता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी न्यूज़ पर वक्त मिलती रहे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।